आज की मूडीज की जो रैंकिंग है उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूडीज जो है देश का मूड भांपने में नाकाम रहा है, ये ग्रोथ और जॉब्स वगैरह डाउन है, इसको किस तरह से सर आप देखते हैं? मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए ये सब इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, ये इनको देश की राजनीति या देश की शॉर्ट टर्म कमेंट्री पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और ये लोग बहुत गहराई में जाके चीज़ों का असेसमेंट करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिवली देखे इसको तो दोनों चीज़ों के बारे में, जो हिंदुस्तान का काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी और अभी रेटिंग में, इन दोनों को एक तरह से निश्चित अफर्मेशन मानना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है, देश में जो हो रहा है, वो वास्तव में हकीकत के रूप में हो रहा है और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के रूप में हो रहा है जिससे लंबे समय तक फ़ायदे की स्थिति बनेगी। एक तरह से वो नहीं होना चाहिए कि हम अब सुस्त हो जाएं। इस रेटिंग में भी कई सारी चीज़ें कही गई हैं कि वो और चीज़ों को भी देखेंगे, अगर उन चीज़ों में बदलाव ऐसे हुए जिससे उनका विश्वास कमज़ोर होता है तो वो रेटिंग को फिर गिरा भी सकते हैं। तो इसलिए हमें निश्चित रूप से इस कंसोलिडेशन के पाथ पे, इस रिफॉर्म के पाथ पे चलते रहना पड़ेगा, उन सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और ये देखना और ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इसमें कहीं किसी किस्म का रिवर्सल ना हो। सरकार सुनिश्चित थी कि ये सब जो इतने बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो देश के लिए बहुत आवश्यक हैं और सरकार उसी दृष्टिकोण से वो काम किए जा रही थी। मूडीज़ की रेटिंग ने तो उसको अब एक तरह से रिकग्नाइज़ किया है। मूडीज़ बड़े हाई स्टैंडर्ड के साथ रेटिंग इवेल्युएशन करते हैं। आप देखिए कितने साल तक मेहनत करने के बाद और पिछले 3-4 साल से इतने बड़े रिफॉर्म्स करने के बावजूद भी इतना समय लगा उनको इस बात से कन्विंस होने में कि हिंदुस्तान में जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की ग्रोथ, हिंदुस्तान की रीपेमेंट कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और जो रेटिंग के पीछे दृष्टिकोण होता है कि कोई डिफ़ॉल्ट की रिस्क ना रहे, उसकी ऐसी रिस्क को जब उन्होंने देखा कि काफ़ी कम हो गई है तब उन्होंने अपग्रेड किया। मोदी की रेटिंग के बाद हो सकता है कि तमाम जो रेटिंग एजेंसियां बड़ी वो जो अपग्रेड करें इंडिया के, वो लोग सब अपना इंडिपेंडेंट असेसमेंट करते हैं लेकिन उनका असेसमेंट की मेथोडोलॉजी जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसलिए ये अपेक्षा की जा सकती है कि दूसरी एजेंसीज भी शायद इस बात को रिकग्नाइज करें और जल्दी करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरी एजेंसीज भी अपग्रेड करने के बारे में विचार करेंगे। तो मोदी की रेटिंग के बाद हो सकता है कि तमाम जो रेटिंग एजेंसियां बड़ी वो जो अपग्रेड करें इंडिया के, वो लोग सब अपना इंडिपेंडेंट असेसमेंट करते हैं लेकिन उनका असेसमेंट की मेथोडोलॉजी जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसलिए ये अपेक्षा की जा सकती है कि दूसरी एजेंसीज भी शायद इस बात को रिकग्नाइज करें और जल्दी करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरी एजेंसीज भी अपग्रेड करने के बारे में विचार करेंगे।